हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा रितिका ब्लॉग। इट्स मी नेहा। तो गाइस, आज मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि आज मेरा फेयरवेल है, और जिसका बहुत ही मतलब सबको बहुत बेसब्री से वेट रहता है कि हमें फेयरवेल मिले, तो फाइनली है क्योंकि मुझे इससे पहले तो मिल नहीं पाया था। कई चीज़ें मेरी लॉकडाउन में पड़ गई थी जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया था फेयरवेल, बट आज फाइनली वो मौका मिला है मुझे। और अभी मैं उठ गई हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैंने बहुत कुछ कल ही कर लिया था। तो हम लोग को फेयरवेल में साड़ी पहनकर जाना है और 10 बजे के आसपास निकलना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, जल्दी से पहले चल के शावर वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद कुछ खा लूँगी, फिर रेडी होंगी, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगी। तो रुको, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पहन क्या रही हूँ, मतलब कौन सी साड़ी है, किस कलर की है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको रेडी होते हुए थोड़ा बहुत दिखा दिखा दूँगी, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और हाँ, वहाँ की भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे मैं कर पाऊँ। ओके, तो देखो गाइस, ये रही मेरी साड़ी। ये स्काई ब्लू कलर की है, मतलब कैसा मैं बताऊँ, ना ज़्यादा स्काई ब्लू लगती है ना ग्रीन। ये रही, अभी मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, तो अभी दिखा दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहन के आपको इसको पूरा सब दिखाऊँगी। और रुक जाओ, मैं इसका बैंगल आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड बस रुको। ये देखो, ये रहा मैचिंग का पूरा बैंगल, अच्छा है ना। ये देखो, ये मैचिंग का बैंगल है। और मैं इयर रिंग सोच रही हूँ कि ये वाली पहन लो इयर रिंग। ये देखो, ये वाली इयर रिंग सोच रही हूँ पहन लूँ। और मैं कुछ ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करूँगी, सब कुछ मेरा लाइट ही रहेगा क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है, तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना है। और नैन्सी नहीं है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नैन्सी नहीं है, वो स्कूल गई है। मुझे खुद से ही सब रेडी होना है, करना है, थोड़ी बहुत मेरी मम्मी जो भी हेल्प कर पाए कर देगी। यही सब है, और भी है सारी चीज़ें। अब मेकअप को क्या ही मैं दिखाऊँ, मैं वो बस कर लूँगी, आप मेरा फेस देख लेना। ठीक है, तो चलो, टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मैं जल्दी जल्दी जाऊँ बस नहा लूँ। तो मैंने सोचा आपको भी सारी चीज़ें शेयर कर दूँ ताकि आप भी एंटरटेन होते रहो, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो। बाकी टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, सब मैनेज हो जाएगा इसी में। चलो ठीक है, तो मैं कुछ देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मैं शावर लेकर आ गई हूँ और मैं आधी अधूरी, मेरा मतलब ब्लाउज मैंने पहन लिया, रेडी हो गई हूँ। ये देखो, ये रही मेरी साड़ी, अच्छी लग रही है ना, कितना प्यारा इसका कलर है। तो अभी मैं इसी को पहनने वाली हूँ मम्मी के हेल्प से, क्योंकि नैन्सी तो है नहीं, और पहनते हैं और क्या। तो गाइस, मैंने पहन ली ये साड़ी अपनी मम्मी के हेल्प से, और मैं सोच रही हूँ फ्री पिन करके चली जाऊँ। तो मैंने पहले, रुको मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाती हूँ मम्मी को फ़ोन पकड़ा कर। तो गाइस, ये रहा बैंगल्स, इसमें मैं ये सिल्वर वाली, ये सोच रही हूँ ये ऐड करके पूरी दो हाथ की चूड़ी बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मम्मी की है और ये मम्मी ने मेरे लिए नया लेकर आया था, तो मैं इसमें लगा के पहन लेती हूँ जल्दी से, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो गाइस, मैं पूरी रेडी हो गई हूँ और ये मैंने मेहंदी लगा लिया था कल रात को ही। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसे दिखाऊँ आपको, देख लो ऐसे ही। तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सा रेडी हूँ, मुझे तामझाम ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो ऐसे ही ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ बाइक से, बाकी चीज़ें वहाँ की जो भी होगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो गाइस, ये देखो रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, मैंने फिलिपिन में साड़ी पहनी है और ये रही मेरी चूड़ियाँ और ये मेहंदी। तो मैं कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा सजा, डेकोरेशन अच्छा लग रहा था सिंपल में ही। और यहाँ पे सारी गर्ल्स यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं, और अभी वीडियो में बहुत कुछ आगे आपको मिलने वाला है, अभी देखते रहिए। देखो मतलब गर्ल्स का क्या है ना, कहीं पहुँचे नहीं कि सेल्फी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे हमें वेलकम के लिए खड़ा कर दिया गया है। मैं थोड़ा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ यार, क्योंकि बोला गया कि चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, वेलकम के लिए आगे चल कर आना है, सो मैं नहीं कर पाई। बट हाँ, बहुत अच्छा हुआ था वेलकम, मुझे तो सबसे अच्छा वही लगा था। और यहाँ पर ये देखो, सारी गर्ल्स बैठी, मेरा तो कोई वीडियो बनाने वाला है ही नहीं, मैंने सोचा चलो और लोगों का ही ले लूं। अभी पूरी गर्ल्स नहीं यहाँ पे बैठी हैं, बाकी बाहर मस्ती कर रही हैं, कुछ यहाँ पे बैठी हैं, और मैं भी यहीं पे हूँ, तभी तो मैं बना रही हूँ वीडियो। और कितना अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा।
लोगों ने चीख बनाया है और सर पे डेयर आया है कि उन्हें किसी को गले लगाना है, और हमें इतनी हंसी आ रही है सोच के कि वो क्या करेंगे। तो ये देखो मेरे एक सर को रह नहीं गया, वो जाके उनसे गले लग के बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्त को हारते हुए नहीं देख सकता। वाह क्या बात है, मतलब सच में यार फ्रेंडशिप है तो ऐसी है, मुझे तो मज़ा आ गया ये देख कर। फंक्शंस हो गए हैं और अब बारी है केक कटिंग की, तो यहाँ पे हमारे मैनेजर सर और जो भी टीचर्स हैं वो सब स्टेज पे हैं और अब केक कट होने जा रहा है। ये सीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज टीचर्स डे है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने अच्छे दिन फेयरवेल हमारा डिसाइड हुआ है कि आज टीचर्स डे भी और हमारा फेयरवेल भी है, बहुत ही सब कुछ अच्छा लग रहा है। और यार ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हर किसी को ही आना जाना चाहिए, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है ये सब देख कर। और अंजलि सुनो, अभी हमें टीचर्स को गिफ्ट भी देना है ना, तो हमने सर के लिए मतलब टीचर्स डे भी है तो हमने सर के लिए सारी गर्ल्स ने पैसे कलेक्ट करके उनके लिए बुद्ध जी की यहाँ पे मूर्ति ली थी, मतलब फ्रेम है, और वही हमने गिफ्ट किया है सर को ताकि वो हमेशा याद रखें। जल्दी से दबा लेते हैं और अभी खाना भी खाने को मिलेगा यार। और ये देखो यहाँ पे कटलेट है और लड्डू है, बर्फी है, समोसा भी था। सब अच्छे से हो गया, अभी मैं फाइनली ऑटो में बैठी हूँ अपने घर जा रही हूँ और बहुत ज्यादा मजा आया यार। Many hours later. तो गाइस आप सबको पता है अभी पापा मम्मी बाहर गए थे, मार्केट गए थे, और अभी पापा मम्मी गोलगप्पे लाए और दीदी अभी फेयरवेल से आई है, तो सभी चल के उठाती हूँ और देखती हूँ ये मम्मी क्या लाई हो, साड़ी है। तो गाइस रुको, अभी पहले दीदी को उठाते हैं और वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाएगी, पापा मम्मी गोलगप्पे लाए हैं, उसका फेवरेट है। चलो चलो अभी उसको उठाते हैं और वो फेयरवेल से आके सोई हुई है। गाइस दीदी 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 उठो, पापा मम्मी आ गए, पापा मम्मी लाए हैं गोलगप्पे। हाँ जल्दी उठे, जल्दी 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 कर, हाथ जम के डांस किए तो क्या होगा। चल रही हूँ, जल्दी चलो गोलगप्पे खाते हैं। मैं काफी थक गई थी, मैं सोई थी, वैसे नैन्सी ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया पूरी जगह। चलो दीदी आप और बताए, मम्मी ना मम्मी साड़ी भी लाई है अपने लिए। यस जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। तो ये देखो गाइस अभी दीदी यहाँ पे खा रही है गोलगप्पे, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा अब मेरी बारी, चलो नैन्सी खाकर बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है। मुझे तो टेस्टी लगा, तुम्हें कैसा लग रहा है। अच्छा है ना, बहुत तीखा है बट अच्छा है।